इस समाचार के सह प्रायोजक है घर संसार, जहां उपलब्ध है एक नहीं 51,000 वैरायटियों के साथ कम दाम में अच्छी क्वालिटी का सामान। स्थान भोलाराम उस्ताद मार्ग एवं होटल किंग्स पार्क सयाजी के सामने, विजयनगर इंदौर। तेल अवीव एयरपोर्ट पर जो बाइडेन ने इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग और बेन गुरियन से मुलाकात की, ये सभी अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत करने पहुंचे थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने गाजा के अस्पताल पर हुए रॉकेट हमले पर चिंता जताई है। उन्होंने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट साझा की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से अडानी मुद्दा उठाया है और आरोप लगाया है कि अडानी ने 32,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अडानी की वजह से ही बिजली महंगी मिलती है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा करने के बाद अब ये 46% हो गया है। डीए में बढ़ोतरी के साथ ही कर्मचारियों की सैलरी में भी उछाल देखने को मिलेगा। बुधवार को विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के पोते सिद्धार्थ तिवारी ने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। तमिलनाडु के राज्यपाल R.N. रवि ने बाबा महाकाल की दिव्य भस्म आरती के दर्शन किए और उसके बाद गर्भगृह में पहुंचकर बाबा महाकाल का पूजन अर्चन और अभिषेक भी किया। बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने के लिए वे अपनी पत्नी सहित महाकाल मंदिर पहुंचे थे। कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स के शानदार अर्धशतक और बॉलर्स की घातक गेंदबाजी के दम पर नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को 38 रन के बड़े अंतर से साउथ अफ्रीका को हरा दिया और टूर्नामेंट का दूसरा बड़ा उलटफेर कर दिया। बता दें कि 2023 वर्ल्ड कप में 3 दिन के अंदर यह दूसरा बड़ा उलटफेर है। मंगलवार को PCB ने ICC के समक्ष 2 शिकायत दर्ज कराए, जिसमें कहा गया है कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उनके खिलाड़ियों के साथ अनुचित व्यवहार किया गया। इसके अलावा PCB ने पाकिस्तानी पत्रकारों के लिए वीजा में हुई देरी की शिकायत भी ICC से की है। साथ ही भारत में पाकिस्तानी फैंस को नहीं आने दिए जाने को लेकर भी ICC के सामने चिंता जताई है। बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी को फिल्म मिमी के लिए 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुए इस अवार्ड में उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अवार्ड देकर सम्मानित किया। एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ, कृति सेनन और अमिताभ बच्चन स्टारर गणपत रिलीज के लिए बिल्कुल तैयार है। चंद दिनों में फिल्म थिएटर्स में दस्तक देने वाली है। इस बीच मेकर्स ने गणपत का एक नया स्पेशल प्रोमो रिलीज कर दिया है। We'll be right back.